गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग क्लास 7 का चैप्टर 1 मैथमेटिक्स से, जिसका नाम है इंटीजर, ये चैप्टर 1 है क्लास 7 मैथमेटिक्स का। इंटीजर जो चैप्टर है, इसमें इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको ये फिगर जो दिख रहा है, इस फिगर को अगर आप गौर से देखें तो सारा कॉन्सेप्ट यहीं पे क्लियर हो जाता है। आप अगर देखें इस फिगर को तो इस वाले जो बॉक्स है और इन वाला जो बॉक्स है, इन दोनों में कुछ डिफरेंस है। अगर आप गौर से देखें तो आपको ये पता चलता है कि ये जो नंबर्स हैं ये सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं और ये जो नंबर है वो सारे पॉजिटिव और नेगेटिव का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव का कॉम्बिनेशन है, मतलब इसमें कुछ ऐसे नंबर्स भी हैं जो कि पॉजिटिव हैं और ऐसे नंबर भी हैं जो कि नेगेटिव हैं, पर इस वाले बॉक्स में देखा जाए तो सारे नंबर्स क्या हैं, पॉजिटिव नंबर्स हैं। ठीक है, तो और अगर आप फिर से इस चीज़ को अगर गौर करो तो यहाँ पे आप देखो, अगर ये जीरो को आप आउट द बॉक्स कर लो, मतलब आउट ऑफ बॉक्स कर लो, तब फिर ये कौन सा बॉक्स कहलाएगा? तो आपको याद होगा नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर। ठीक है, फ़िलहाल भी इतना ही देखते हैं और जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगा वैसे वैसे हम लोग देखते जाएंगे। नेचुरल नंबर क्या था? तो ये 1, 2 डॉट डॉट डॉट, इस तरह ये सारे नंबर जो होते थे नेचुरल नंबर कहलाते थे। होल नंबर में जो था उसमें क्या होता था कि 0 इंक्लूडिंग 1 कॉमा 2 कॉमा डॉट डॉट डॉट, इस तरह ये सारे होल नंबर कहलाते थे। और इंटीजर्स में क्या होता था कि ये जो होते थे वो कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स के होते थे, मतलब कि वो नंबर -2 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको स्पेशली फिर से देखते हैं क्या मतलब कि अगर नेचुरल नंबर की बात करें। ठीक है, नेचुरल नंबर तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा एंड सो ऑन, लेकिन अगर होल नंबर की बात करें तो वो स्टार्टिंग कहाँ से होगा? 0 से, मतलब 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब आते हैं इस फिगर पे। इस फिगर को गौर से देखिए, ये क्या है? ये इंटीजर्स कहला सकता है कि दिस इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ इंटीजर्स नंबर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव नंबर भी हैं और नेगेटिव नंबर भी हैं। और अगर इस बॉक्स को देखो तो सिर्फ यहाँ तक अगर देखा जाए तो ये क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव नंबर, कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, पॉजिटिव नंबर में भी अगर देखा जाए तो सिर्फ ये जो बॉक्स मैंने बनाया हूँ, इस बॉक्स के अंदर अगर आप गौर करें तो ये सारे जो कॉम्बिनेशन है ये सारे नेचुरल नंबर के कॉम्बिनेशन है। क्यों? अब आप पूछोगे कि क्यों इसको नेचुरल नंबर ही क्यों कहे, तो यहाँ पे अगर आप गौर से देखो तो क्या है कि यहाँ पे सारा जो नंबर है वो विदाउट जीरो है, मतलब कि इसमें जीरो नहीं है। ठीक है, मतलब इसमें जीरो नहीं है, है ना? लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो तो ये जीरो है, मतलब अगर जीरो और इस वाले बॉक्स को मिला दिया जाए तो ये क्या कहलाएगा आपका? ये कहला जाएगा आपका होल नंबर। ठीक है, इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर बॉक्स। ठीक है, अब इसको देखते हैं, ये मतलब ये पूरा ओवरऑल क्या कहलाएगा? होल नंबर। क्यों? क्योंकि होल नंबर का डेफिनेशन है कि वो स्टार्ट कहाँ से होता है? जीरो से। ठीक है, एंड सो ऑन। लेकिन नेचुरल नंबर का डेफिनेशन क्या है? कि वो स्टार्ट होगा 1 से। तो अगर नेचुरल नंबर कहें तो यहाँ पे 0 नहीं होगा, और होल नंबर होगा तो वहाँ पे 0 होगा। ठीक है, और इंटीजर की बात करें तो वो क्या होगा? वो नंबर पॉजिटिव भी से लेके नेगेटिव भी हो सकता है और नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो ये जो टॉपिक है अभी फ़िलहाल क्लास 6 से बिलोंग करता है, आपको ये देखने ही से याद आ रहा होगा, जिसमें कि आप देखें अगर गौर से तो ये नंबर लाइन शो किया गया है। ये नंबर लाइन जो यहाँ पे दिया गया है ये आप पढ़ चुके हैं पीछे क्लास में, आपको पता है कि ये सेंटर पॉइंट मतलब कि जीरो या फिर ओ मान सकते हैं आप इसको।
जहाँ से इस तरफ अगर आप बढ़ते हैं तो ये पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, अगर इस तरफ बढ़े हैं तो आप सॉरी अगर इस तरफ आप बढ़ें तो ये सारे क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर। ठीक है, मतलब यहाँ पे सारे पॉजिटिव सारे पॉजिटिव सारे पॉजिटिव सारे पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पे सारे नेगेटिव सारे नेगेटिव सारे नेगेटिव सारे नेगेटिव। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप ये समझ सकते हैं कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। अब आपको ये पता होगा, एक चीज़ गौर करने वाली बात है, शायद आप ध्यान दें या ना, या फिर याद हो या ना हो आपको, हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ जैसे ही बढ़ रहे हैं वो नंबर क्या हो रहा है, छोटा होते जा रहा है। ठीक है, और वो जैसे ही इधर है वो इसमें जीरो के बाद जैसे ही इधर बढ़ रहा है वो नंबर क्या होता है, बड़ा होता जा रहा है, मतलब कि इंक्रीज कर रहा है और यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, मतलब इस साइड में वैल्यू जैसे ही एरो की तरफ बढ़ता है तो वो इंक्रीज़ करता है, इस साइड में वैल्यू डिक्रीज़ करता जाता है। ठीक है, मतलब कि माइनस 100 जो है वो लेस है किस से, जीरो से। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसी चीज़ को यहाँ पे नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए बताया गया है, जैसे शो किया गया है कि इधर -3 है तो माइनस नंबर बिलोंग कर रहा है इस साइड से, और इस साइड को शो कर रहा है वो पॉजिटिव नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा वीडियो को जल्दी पार करूँगा क्योंकि इसमें से कुछ ऐसा है जो कि आपको पता होगा, जैसे पॉजिटिव नंबर क्या होता है, निगेटिव नंबर क्या होता है। पॉजिटिव नंबर मतलब हो गया, अगर आप पॉजिटिव नंबर की बात करें, पॉजिटिव नंबर मतलब कि वो प्लस साइन, मतलब जिसमें कि माइनस साइन नहीं हो, ये पॉजिटिव नंबर कहलाता है। लेकिन जैसे ही आप नेगेटिव नंबर की बात करते हैं तो नेगेटिव नंबर क्या होगा, वैसा साइन जो है ये हो, जैसे कि प्लस साइन नहीं हो। ठीक है, ये नहीं हो तो ये हो गया नेगेटिव नंबर और वो हो गया पॉजिटिव नंबर। अब आप यहाँ आ जाइए तो कुछ पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर के कैलकुलेशन किया गया है, जहाँ पे दिखाया गया कि -10 +3। तो आपको यहाँ पता है कि इसी चीज़ को हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि 10 -3 दोनों का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। मतलब इसको अगर ऐसे कर दिया जाए, यहाँ से हटा दिया जाए तो यहाँ पे -10 +3 इक्वल्स हुआ किसके, 10 -3 के। ठीक है, मतलब यहाँ भी क्या आना है आपका, वही वैल्यू आएगा जो वैल्यू आपका यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ये तो आप भी समझ रहे होंगे, ये कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, जो कि आपको समझने में दिक्कत हो या बिल्कुल सही से समझ सकते हो क्योंकि पीछे क्लास में हम लोग ये पढ़ चुके हैं। तो अब जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए आप एक एग्जांपल दिया गया है, इसको ज़रा गौर कर लेते हैं। यहाँ कह रहा है कि -56 +-73 = -129। तो अगर आपको याद हो तो आप ये जानते हैं, ठीक है, कि माइनस और माइनस मिलकर के प्लस हो जाता है। ठीक है, प्लस और माइनस मिलकर माइनस होता है, प्लस प्लस तो प्लस ही रह गया। ठीक है, और माइनस और प्लस मिलकर के माइनस हो गया। ठीक, तो ये आप पहले से जानते हैं, इसमें कुछ नया नहीं है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये प्रीवियस क्लास 6 में आप पढ़ चुके होंगे। तो ये आपको अगर ध्यान नहीं भी होगा तो इसको ध्यान रखने की ज़रूरत है, ये हमेशा आपको काम देगा आगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि -56, ठीक है, ये माइनस साइन और ये माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस और ये प्लस, प्लस हो गया पर साइन किसका ग्रेटर था आपका 73 का, दोनों में
एडिशन होने के बाद प्लस तो हुआ पर साइन किसका हो गया, माइनस का। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे, यहाँ भी देखिए 183 और 82 दोनों को मिला करके प्लस तो हुआ पर साइन किसका हो गया, माइनस का। माइनस का क्यों, क्योंकि यहाँ पे 183 इज़ ग्रेटर देन 82 और हम लोग को पता है कि जिसका साइन बड़ा होता है उसके साइन को हम लोग यहाँ पे लिखने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये तो क्लियर है। अब आगे कुछ इसी तरह का दिया हुआ है, इनकरेक्ट अब अगला जो टॉपिक है वो इनवर्स की बात करते हैं। ठीक है, इनवर्स मतलब उल्टा। जैसे कि अगर प्लस 10 है तो इसका इनवर्स हो जाएगा -10। ठीक है, अगर -10 है तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, +10। ठीक है, अगर फिर भी जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये इंटीजर है 10, इसका हो गया -10, ये -10 तो 10, 76 तो -76, -76 तो +76, ये हो गया उसका एडिटिव इनवर्स। मतलब कि किसी भी नंबर्स का जो साइन है, साइन का जस्ट अपोजिट करता ना ही इनवर्स कहलाता है। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे जिसको देखते हैं। जैसे कि 56 -73 इक्वल्स टू 56 प्लस एडिटिव इनवर्स ऑफ 73 दैट इज 56 प्लस -73 बराबर 70। क्योंकि अगर आप 56 प्लस -73 ये लिखो या 56 -73, ठीक है, दोनों का आंसर क्या होना है, सेम होना है। तो यहाँ पे जो है ये जो साइन है इस साइन को रिप्लेस कर दिया गया है किससे, इस साइन से। मतलब कि माइनस साइन और पॉजिटिव साइन को रिप्लेस करने के बाद ये क्या हो गया, माइनस साइन, जिससे इसका आंसर आया। और क्योंकि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि 73 इज़ ग्रेटर देन 56 तो साइन किसका हो जाएगा, माइनस का, इसलिए आंसर क्या हो जा रहा है, -70। ठीक है, तो एडिटिव इनवर्स का यहाँ पे कंसेप्ट लगा हुआ है, कंसेप्ट एडिटिव इनवर्स का है पर सिंबल मतलब कि नंबर जो ग्रेटर होगा उसी का हम लोग यहाँ पे माइनस साइन या प्लस साइन को यूज करेंगे। तो थोड़ा सा फॉर्मूला जो जनरेट किया गया है उसको आप अगर यहाँ पे देखो तो कह रहा है क्या, 10 वी फाइंड दैट फॉर एनी टू इंटीजर ए एंड बी, ए माइनस बी इक्वल्स टू ए एडिटिव इनवर्स ऑफ बी। ठीक है, और प्लस का इनवर्स क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो प्लस का इनवर्स क्या हो जाएगा, माइनस। अगर वो साइन वो प्लस है तो इसका इनवर्स हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो इसका इनवर्स हो जाएगा प्लस, ये एडिटिव इनवर्स हो गया। ठीक, तो उसी तरह यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया गया है, कैन यू फाइंड अ पैटर्न फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इफ़ यस कंप्लीट देम। जैसे कि 7 7 3, ठीक है, फिर -1 -5, तो ये जो पैटर्न है इसको फाइंड आउट करना है और इसको फिर कंप्लीट करना है। ठीक है, तो मैं आता हूँ एक्सरसाइज पे कुछ क्वेश्चन को रिवाइज करके बता देता हूँ ताकि वो आपको बनाने में आसान हो। इसके बाद फिर आप बनाओगे और अगर कोई दिक्कत होगा तो फिर आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, मैं उसको बताऊँगा। और इवन अगर आपसे नहीं बनता है तो मैं एक्सरसाइज बनाने में आपकी मदद करूँगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है क्या, फॉलोइंग नंबर लाइन शोज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है क्या कि ये डिग्री सेल्सियस दिया गया है। ठीक, यहाँ पे जो है ये जो सेंटर पॉइंट है यहाँ से वो निगेटिव डिग्री है, मतलब निगेटिव सिम्बॉल से है और ये पॉजिटिव सिम्बॉल से है। ठीक है, तो जैसे कि पहला क्वेश्चन ए नंबर देखते हैं, ऑब्जर्व दिस नंबर 9 एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ प्लेस मार्कड ऑन इट। तो पहला क्या हो जाएगा,
इसमें पहला हो जाएगा ये 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 और ये, ठीक है, ये हो जाएगा क्वेश्चन ए का आंसर। क्वेश्चन बी को अगर देखे तो द व्हाट इज़ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेस, तो हॉटेस्ट कौन सा हो जाएगा, हॉटेस्ट हो जाएगा बेंगलुरु, ठीक है, और सॉरी हाँ और कोल्डेस्ट कौन सा हो जाएगा आपका, -10 डिग्री। तो इन दोनों में मतलब 25 माइनस माइनस -10, ये हो जाएगा आंसर बी का। तो इस तरह करके हम लोग देखेंगे, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और एक्सरसाइज आप बना सकते हो। फिर भी अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं उसका आंसर सॉल्यूशन आपको फिर से बताऊंगा और कोशिश करूंगा कि आपको पूरी तरह से एक्सरसाइज समझ में आ जाए। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है क्या, इन क्यूज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर एंड नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर। इफ जैक स्कोर्स इन 5 सक्सेसिव राउंड वेयर 25, -5, -10, 15 एंड 10, व्हाट इज़ हिज टोटल। तो क्या करेंगे कि जितने भी नंबर दिए हैं, जैसे कि 25, -5, -10, 15 और 10, इन सबको ऐड कर देंगे, ठीक है, तो इसका आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। तो इतना हिंट काफ़ी है, आप लोग बना सकते हैं। उसी तरह आप सारा क्वेश्चन को बना कर देखें, जो क्वेश्चन टफ लगे आप उसको कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उस क्वेश्चन को फिर आपको बताऊंगा और वो फिर आपके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि एक 8 नंबर फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूं मैं, कहते हैं वेरीफाई ए माइनस माइनस बी इक्वल्स टू ए प्लस बी फॉर द फॉलोइंग वैल्यूज़ ऑफ ए, ठीक है, मतलब कि आपको पुट करना है, जैसे कि 21 ए के लिए मैं बता रहा हूँ, 21 माइनस माइनस 18, ठीक है, और इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, और फिर वैल्यू फाइंड आउट करना है 21 प्लस 18 का, और चेक करना है क्या कि इक्वल्स के ये मान लीजिए एक्स और ये वाई है, तो क्या दोनों सेम है, ठीक है। तो इस तरह करके आप देख सकते हो और इसको वेरीफाई कर सकते हैं, मतलब वेरीफाई करना है कि इक्वल्स के दोनों सेट बराबर है या नहीं। ये आपका स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा, ठीक है, जो कि नंबर लाइन में हम सीख चुके हैं। इसके बाद फिर आप फ़िलहाल इतना तक रहने देता हूँ मैं इस वीडियो को, आप एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट करो और कमेंट करो जिसका बन चुका। मुझे लगता है कि अधिकतर लोग बना चुके होंगे अगर ये वीडियो देखते हैं वो, तो बनाकर मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए कि हाँ कितने लोगों का बन चुका। तो मैं इस वीडियो को रहने देता हूँ यहाँ तक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।